हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल से जी पी एस सी ए बी सी डी में। इस वीडियो के अंदर हम रीजनिंग का एक टॉपिक देखेंगे, ठीक है। रीजनिंग का एक टॉपिक, जैसे जब भी आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा, चाहे आप सी जी पी एस सी की बात कर लो या फिर व्यापम की बात कर लो या फिर आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एग्ज़ाम, एस एस सी, रेलवे, इन सब का अगर आपने कभी भी एग्ज़ाम एक भी दिया है, ठीक है, तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ये ट्रेंड में है अभी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस मैं तो अभी लेटेस्ट जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वहाँ पे ये जो अभी आज का जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आज का जो रीजनिंग का टॉपिक है उसको हम कोडेड लॉजिक कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें हमको नंबर्स दे दिया होगा, उन नंबर्स में कुछ पैटर्न्स दिया होगा कि कैसे उस नंबर को सॉल्व करके हमको कुछ लाया गया है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमको दो तीन पैटर्न दिया होगा और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक तीसरा जो भी नंबर्स दिए होंगे उनमें वही लॉजिक लगाकर हमको सही आंसर निकालना होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम कोडेड लॉजिक कहते हैं, ठीक है। तो ये मेंटल एबिलिटी कह लीजिए, मानसिक योग्यता या रीजनिंग का एक टॉपिक है। चलिए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। इसमें हमने 10 क्वेश्चन रखा है और ये 10 क्वेश्चन ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 10 क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो इस टॉपिक से, या फिर ऐसा जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे चूकेगा नहीं और आप वहां से अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है आप लोग पहली बार ऐसा क्वेश्चन देख रहे होंगे, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है हमको। तो एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बाकी में जो ये स्टेटमेंट होगा ये वाला, ये पूरा सेम चीज होगा। क्या हुआ कि दिए गए संख्या समूहों में प्रत्येक में बराबर के दाईं ओर संख्या की गणना बराबर चिन्ह के बाईं ओर तीन संख्या के कुछ गणितीय संक्रियाएं करके की गई है। मतलब ये हमारे पास जो बराबर का चिन्ह दिया हुआ, इससे पहले जो भी नंबर दिया हुआ है, इन नंबर के बीच में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन, जोड़ घटाओ, गुणा भाग, कुछ भी करके ये राइट साइड के बराबर लाया गया है। तो बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, ताकि यहाँ पर ऐसा नंबर रखें कि ये सेम गणितीय संक्रिया जो कि ये दोनों में कर रहे हैं वही इसमें भी करना है और हमको ये वाला चीज़ लाना है, बताना है, ठीक है ना। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को करते हैं और बताते हैं कि क्या होगा। तो 15, 8 और 12 में ऐसा क्या किया जाए कि 91 लाया जाए। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ। 15, 8 और ये 12, इन तीनों संख्याओं में ऐसा क्या गणितीय संक्रियाएं लगाया जाए कि 91 लाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 15 और ये 12, ठीक है, 15 और 12 का डिफरेंस निकालने पर क्या आ रहा है, ठीक है, 15 और 12 का डिफरेंस निकालेंगे तो हमको मिलेगा 3, ठीक है ना। और 3 का अगर मैं घन निकाल दूं वापस से, यहाँ पे जो पहला और अंतिम जो संख्याएं हैं उनका अंतर निकालते हैं, ठीक है, अंतर निकालने के बाद जो मिला उसका घन निकालते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 27 मिल रहा है, ठीक है। और जो बीच वाला जो संख्या है 8, उस 8 का वर्ग करना है, ठीक है, तो 8 का वर्ग क्या हो गया, 64। तो यहाँ पर ये दोनों का जो अंतर था उसका घन जो निकला है 27, और जो बीच वाली संख्या है उसका वर्ग अगर आप 64 करते हैं तो 27 और ये प्लस 64, आप इसको अगर जोड़ेंगे तो हमको 91 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ है। दूसरा वाला में भी हम देखते हैं क्या ये वाला जो हमारा लॉजिक है वो फिट बैठ रहा है क्या। तो पहला और तीसरे वाले का हमको अंतर निकालना है, ठीक है, तो 14 में अगर 10 घटाएंगे तो मिलेगा क्या, 4। अब इस 4 का क्या करना है, घन करना है, तो 4 का घन 4 चौके 16, 16 चौके 64 होता है। और जो बीच में जो हमको संख्या दिया गया 5, इस 5 का क्या करना है, वर्ग करना है, तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 4, 5, 9 और 6, 2, 8, 9, मतलब 89 मिल रहा है, मतलब ये वाला चीज़ मिल रहा है। अब सेम लॉजिक जो है हमारा जो तीसरी जो संख्या दिया हुआ है, तीसरी जो संख्या है उनके अंदर भी काम करेगा, तो ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि 63 है, तो पहले तो 6 है, तो जैसे कि हमने बीच वालों का वर्ग किया हुआ है तो बीच का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। अब 36 में ऐसा क्या जोड़ देंगे कि ये 63 आएगा, ठीक है, तो 36 में क्या जोड़ने पर 63 आना चाहिए हमको वो पता करना है, ठीक है। अगर वो हमको पता चल जाएगा तब यहाँ पे हमको पता चलेगा कि इसका और इसका अंतर का घन उतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए 63 है, 63 में हम क्या करते हैं, इसको घटा के भी आप देख सकते हो, जैसे ये 63 है, 63 में इस 36 को घटा दो क्योंकि उसमें योग करने पर ही तो आ रहा है, तो 63 में अगर आप 36 घटाते हो तो आपको मिलता है 27, ठीक है। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो संख्या आएगा वो क्या आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस का जो घन आना चाहिए वो 27 आना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ से चाहें तो ऑप्शन में भी आप पकड़ सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन से भी यहाँ पे पकड़ सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन में अगर मान लो 14 को ले लेता हूँ, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये 17 और ये 17, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे 14 आएगा, तो 17 में 14 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब 3 का हमको घन करना होगा, तो 3 का घन कितना होता है, 27, और इसी चीज़ को तो हम यहाँ पे ला रहे थे, तो हम ऑप्शन से भी इसको पकड़ लेंगे कि 14 आ जाएगा, क्योंकि ये 27 के बाद जो बीच में 6 आ रहा था वो 6 का वर्ग, तो 27 का वर्ग होता है कितना, 36। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 63 इसके बराबर मिल जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि
14 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह के हमको गणितीय संक्रियाएं बाया साइड जो नंबर्स दिए होंगे उनके अंदर लगाना होता है और दाहिने की तरह लाना होता है। तो पहले हमको इसमें लॉजिक को फाइंड आउट करना है कि लॉजिक क्या यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से करना। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें से मैं टोटल 10 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ भी दूंगा, आप उसको खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा 2 हो गया, पहला हम कर लिए, दूसरा क्वेश्चन अभी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें भी सेम प्रोसेस लगाना है, बाएं साइड में कुछ संख्या दिया हुआ है और दाएं साइड में उसका सॉल्यूशन। अब लॉजिक को फाइंड आउट करना है कि क्या लॉजिक होगा। यहाँ पे हमको दिया हुआ 18 के बाद 8, 8 के बाद 12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर 12 दिया हुआ है। अब इन तीनों में क्या ऐसा किया जाए कि हमको इतना 12 ही मिले, ठीक है, हमको ये पता करना है, ठीक है। तो बताइए भाई क्या हो सकता है। तो एक काम करते हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम ऐसा प्रोसेस करें, अगर 18 को 8 से गुणा कर दें, ठीक है, और फिर 12 से भाग दें, तो क्या ये आ रहा है क्या, तो देखते हैं। 18 और 8 का गुणा करते हैं तो 18 और 8 का गुणा होता है 18 × 8 = 144, ठीक है। अब इस 144 को अगर ये जो तीसरी संख्या उससे अगर मैं भाग दे दूँ 12 से, तो आंसर क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है, 12 × 12 = 144। मतलब ये वाला पैटर्न यहाँ पे फिट बैठ रहा है। अगर ये सेम पैटर्न दूसरे वाले जो संख्या दी उनमें भी फिट बैठेगा तो यही पैटर्न को तीसरे के साथ भी लगाना होगा। तो दिया हुआ है 26, ठीक है, 26 का हमको पहले 7 के साथ गुणा करना होगा। तो 26 × 7 कितना होता है भाई, गुणा कर लेते हैं, तो ये 20 × 7 = 140 और 6 × 7 = 42, 182, ठीक है, 182। और इस 182 को अब किससे भाग देना होगा, जो तीसरी संख्या है उससे भाग देना होगा। तो लगाते हैं भाई, तो 13 × 1 = 13 और 5 × 5 = 13 = 52, 14 आ रहा है क्या, ठीक है, ये भी ठीक है। अब मतलब यही सेम लॉजिक को हमको, जो तीसरी जो संख्या दिया है वही लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर देना है इसके ऊपर। तो हमारे पास है 13, इस 13 का गुणा कर देना है 16 के साथ, तो गुणा करते हैं 16 × 3 = 48, 48 का हासिल 4, 16 × 4 = 20, 208 आया। और इस 208 को भाग दे देना है किससे, 4 से हमको भाग दे देना है, जो कि तीसरी संख्या है यहाँ पे। 4 से भाग देंगे तो 5 × 20 और 4 × 2 = 8, 52 इसका हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो मैं एक 4 वाला बता रहा हूँ, दूसरा भी जहाँ 4 संख्या वाले आएगा बाएं साइड उसको मैं आपको एज ए होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। तो जो पहला है उसमें लॉजिक फाइंड आउट करते हैं, ये 12 के बाद 8, 18, 3 = 90, इन चारों में ऐसी क्या संक्रियाएं लगा दें कि 90 आ जाएगा। सेम इसके साथ भी लगाना होगा, अगर ये दोनों में सेम बैठ गया तो फिर हमको इसके साथ लगा के आंसर निकाल देना है, ठीक है। तो चलिए देखिए ध्यान से, क्या ऐसे करने से काम बनेगा क्या, अगर मैं 12 और 8 का गुणा कर दूँ, ठीक है, 12 और 8 का गुणा करूँगा तो 12 × 8 कितना आ जाएगा, 96, ठीक है, 96 आ जाएगा। अब देखिए ये 96 आ गया, यहाँ पे 90 लाना है। अब मैं क्या करता हूँ, 18 को मैं 3 से भाग दे देता हूँ, ठीक है, 18 को मैं 3 से भाग देता हूँ, तो 3 × 18, ये दोनों का गुणा आया 96 और ये दोनों का जो भाग आया वो आ गया 6, तो 96 में 6 घटाने पर 90 आ जाएगा ना, तो ये घटा देते हैं भाई, 96 में 6 घटा दिए तो 90। मतलब हमारा प्रोसेस क्या हो रहा है कि पहली दो संख्याओं का गुणा करना है, बाद की दो की संख्याओं को भाग दे देना है और दोनों का अंतर निकाल देना है जो आएगा उसका। तो हमारा ये वाला मिल रहा है। इसमें भी करके देखते हैं, 12, 9, 28, 7 और लाना कितना है, 104 लाना है, देखते हैं। तो 12 और 9 का गुणा करना है, तो 12 × 9 हो गया 108, माइनस ये 28 को हमको भाग दे देना है 7 से, तो 28 को 7 से भाग देने पे क्या मिलेगा, 7 × 28 = 4 और 108 में 4 घटाने पे 104 मिल जा रहा है। मतलब ये हमारा लॉजिक जो है दोनों के साथ फिर बैठ रहा है, तो हम तीसरे के साथ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 14 और 3 दिया, तो 14 × 3 कितना, 14 × 3 हो गया 42 और जो 10 और 5 है, 5 से हम 10 को भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, इस 42 में 2 को घटा देते हैं तो आंसर हो जाएगा हमारा 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इस तरह से हमको ये करना होता है। तो एक नया ही पैटर्न है जिसको अभी सारे एग्जाम्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक बार अगर इसको आप देख के प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो मैं इसको आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, ठीक है। इसमें भी सेम वही करना है, ये दो के साथ क्या ऐसा करेंगे कि 55 मिलेगा, ठीक है। फिर इसके साथ भी दोनों के साथ सेम लॉजिक होना चाहिए, इन दोनों का अगर आप सेम लॉजिक को फाइंड आउट कर लेते हैं तो यही लॉजिक को ये तीसरे वाले के साथ इंप्लीमेंट कर देंगे तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, बट मैं एक बता देता हूँ, ठीक है। ये 33 और 8 है, इसके साथ 9 लाना है, 48 और 125 के साथ कुछ भी करके संक्रिया लगा के 11 लगाना है। अगर सेम में लॉजिक फिट बैठ गया, आप लॉजिक पता कर लिए, तो तीसरा में लगा देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। हमारा है 33 और 8, ठीक है, ये दोनों के साथ प्लस माइनस इनटू
कुछ भी करके 9 लाना है, तो क्या कर सकते हैं हम इसको लाने के लिए भाई बताइए। तो ये थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा आप अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, नहीं करे रहेंगे, तो आप इसको नहीं सोच पाएंगे कि क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे घनमूल वर्गमूल कुछ भी लगा सकता है लॉजिक। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस 33 को हम क्या करते हैं, 3 से मैं भाग दे देता हूँ, ठीक है, 33 को मैं 3 से भाग दिया तो क्या मिला, 11 मिला। अब जो ये 8 है, इस 8 का हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, ठीक है, घनमूल, घनमूल मतलब 3-3 का जोड़ा। तो 8 का घनमूल निकालेंगे कैसे, ये 3-3 का जोड़ा बना, तो 8 को मैं 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकता हूँ, ये घनमूल कितना हो गया, 2। तो 8 का घनमूल क्या आ गया, 2। तो इसको जो पहली संख्या उसको 3 से भाग देना है, और दूसरी संख्या का घनमूल निकाल के दोनों को घटा देना है। तो 11 में अगर अब 2 घटाया जाए तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है, जो कि ये वाला है। अब इसी तरह इसमें देख लेते हैं कि क्या फिट बैठ रहा है क्या हमारा लॉजिक। तो 48 125 बराबर लाना है कितना, 11। तो 48 को हमको क्या करना है, 3 से भाग देना है, तो 48 को 3 से भाग देंगे तो 16, ठीक है। और 125 का अगर अब घनमूल निकाला जाए, 125 का, तो 5 पचे 25 25 पंचे 125 का घनमूल आता है 5। इस 16 में हमको क्या कर देना है, 5 घटा देंगे, तो 16 में 5 घटाने से क्या मिल रहा है, 11। ये दोनों में हमने लॉजिक को पकड़ लिया है। अब यही लॉजिक को हमको ये दोनों में लगा देना है, जो आएगा वही आंसर। तो 57 को हम 3 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 19। और 343 का हमको निकाल देना है घनमूल, तो 343 का घनमूल होता है 7। 19 में 7 घटा दीजिए, 19 में 7 घटाने से आएगा 12, और 12 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ये 4 वाला है, तो 4 वाला मैं एक पहले अभी बता चुका हूँ, तो ये आपके लिए हो जाएगा होमवर्क, और बताना है कि इसमें क्या आएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बता सकते हैं, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कमेंट करेंगे तो मैं इसका सोल्यूशन जो है आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, या किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। बट ये आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12, 33, 72, 10, 28, 61 और 14, 39 में क्या करेंगे कि हमारा इतना आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, पहले हम लॉजिक को पता करते हैं। 12, 33 और ये दे दिया हुआ 72, 12, 33 और 72, ठीक है। देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो अब 12, 33 को 72 कैसे लाया जाए, तो देखिए इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है। अगर मैं 12 को मान लेते हैं 2 से भाग दे देता हूँ, ठीक है, और जो 33 है उस 33 में 2 का गुणा कर देता हूँ, इसमें पहले वाले संख्या में 2 का भाग और दूसरे वाले संख्या में 2 का गुणा, और फिर दोनों को जोड़ देते हैं। तो 12 को अगर 2 से भाग दिया जाए तो 6, और 33 को 2 से गुणा करेंगे तो 33 गुना 66, 6 और 66 को जोड़ने पर क्या मिलेगा, 72। यही लॉजिक को दूसरे में लगाते हैं, क्या है, 10, 28 और 61। तो 10 को हम 2 से भाग देंगे प्लस 28 को हमको 3 से, सॉरी 2 से गुणा करना है, तो 10 का 2 से भाग देने पर 5 और 28 दुनी 56, तो क्या मिल रहा है, 61। ये दोनों में लॉजिक हमारा सेम आ रहा है, तो तीसरे को बना देते हैं। तो 14 को भाग दे देंगे 2 से तो आएगा 7, 39 को कर देंगे 2 से गुना तो 39 दुनी हो जाएगा 78, तो 7 और 78 कितना होता है, 7 प्लस 78 होता है 85, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 85 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये 7 हमने कर चुका, 2 होमवर्क दिया हूँ, 5 क्वेश्चन मैंने कराया है, और ये इसको भी मैं एक होमवर्क दे देता हूँ आपको। तो 3 क्वेश्चन जो है हमारे लिए होमवर्क हो गए, ये 8वां क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये 4 वाला है तो मैं एक और 4 वाला भी कर देता हूँ। 11, 7, 9, 16, इनके भी संक्रियाएं लगाना है और 11 पता करना है कि 11 कैसे आएगा, ठीक है। पहला और दूसरे में सेम लॉजिक को पता करना है, ठीक है। अब लॉजिक पता करना ही बहुत ही महान काम है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली प्रैक्टिस, इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है, ठीक है। तो कैसे किया जाए, 11, 7, 9, 16 को 11 कैसे लाया जाए, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं। अगर मैं 11 और 7 को जोड़ता हूँ, ठीक है, 11 प्लस 7 हमारा कितना हो जाएगा, 18। इसी तरह नहीं, ये नहीं लगेगा, दूसरा चीज़ देखते हैं। इसको कुछ भी करके हमको इतना 11 लाना है, और सेम चीज़ को हमको इसमें लगाना है। तो अगर मैं एक काम करता हूँ कि 11 और 16 को जोड़ दूँ एक साथ, पहला और लास्ट वाले को, तो 11 और 16 हो जाएगा 27। इसी तरह अगर मैं दूसरा बीच के दोनों संख्याओं को जोड़ दूँ, 7 प्लस 9 कितना मिलेगा, 16, फिर इसका अगर अंतर निकाल दूँ तो 27 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 11। यही वाला लॉजिक हम दूसरे के साथ करके देखते हैं क्या आ रहा है क्या। तो 13, 8 के बाद 17, 14 बराबर 2, वापस से पहला और लास्ट वाले को जोड़ेंगे तो 13 और 14 कितना होता है, 13 प्लस
14 हो जाएगा 27, फिर बीच के दोनों को जोड़ेंगे 8 प्लस 17, 8 और 17 होता है 25, ये दोनों का अंतर निकालेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब ठीक बैठ रहा है। अब इसके साथ भी वही करना है, पहला और लास्ट वाले को जोड़ते हैं तो 10 प्लस 29, ये हो गया 39, ठीक है। और फिर बीच वाले को जोड़ते हैं 15 प्लस 13 होता है 28, ठीक है, 39 में 28 घटा देते हैं, 11 आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 सही, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये जो क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा इसके। तो 11 और 8 को हमको क्या बना देना है, 97 बनाना है। तो कैसे बनाया जाए भाई, उसी तरह 9 और 11 को सेम लॉजिक लगाकर कितना बना देना है, 48 बना देना है, 9 और 11 के साथ सेम लॉजिक लगाना है और 48 बनाना है। तो क्या किया जा सकता है, तो 11 8 88 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तब 97 होगा, इस तरह अगर 11 9 99 में 9 जोड़ूंगा तब तो 108 आ जाएगा, तो ये लॉजिक नहीं लग रहा है, कुछ और करके देखते हैं। तो इसका जो लॉजिक है, अगर मैं 11 का स्क्वायर करता हूँ तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, ठीक है, और जो 8 है इस 8 में 3 का गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, 8 * 24, यहाँ 11 का जो स्क्वायर है और 8 का जो 3 का गुणा करने पर जो मिले, इन दोनों का अंतर निकालते हैं, 181 में 24 को घटाएंगे तब जाके 97 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह इसमें भी करके देखते हैं, जो 9 है 9 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, 81, और 11 का इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 11 * 3 आ जाएगा 33। अब हमको 81 में 33 को घटा के देखना है, 81 में 33 को घटाने हैं तो ये 48 आ रहा है, ठीक है, मतलब ये लॉजिक भी दोनों में बैठ रहा है। अब सेम काम तीसरे का साथ कर देना है, 17 35, और ये क्वेश्चन मार्क, तो 17 का वर्ग, 17 का स्क्वायर हो गया 17 हम 289, और 35 वाले में 3 का गुणा करेंगे तो 35 * 105, अब 289 और 105 का अंतर निकाल देते हैं, आंसर आ जाएगा, तो ये 4 8 और 1, 184 इसका आंसर आना चाहिए, इसका आंसर हो गया 184। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है पहली बार होगा, तो उम्मीद है ये 10 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो अगर ऐसा क्वेश्चन भविष्य में अगर आपको देखने को मिलेगा तो आपसे छूटेगा नहीं, और बहुत ही थोड़ा नया पैटर्न है, सारे एग्जाम्स में देखने को मिल रहा है, तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का टॉपिक है, जो कि अब नए दौर से ये सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया ही जाएगा आगे, ठीक है। तो एक बार इसको जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जो पढ़ने वाले हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।